हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानोज़ कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आटे का हलवा, कड़ा प्रसाद। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो हमको जो प्रसाद मिलता है उसको कड़ा प्रसाद बोलते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी गेहूँ का आटा, एक कटोरी चीनी, कटे हुए बादाम और किशमिश, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। एक कटोरी ही मैंने देसी घी लिया है, ये घर का बना हुआ घी है। आप चाहो तो बाज़ार का घी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सबसे पहले एक कटोरी चीनी एक पैन में डाल रही है और दो कटोरी पानी लूँगी, डबल पानी यूज़ होगा। अभी हम इसको गरम कर लेंगे, तब तक गरम करेंगे तब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। और अभी हम घी वाली गैस ऑन कर देंगे। घर पे घी बनाने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। अभी हम आटे को अच्छे से घी में मिला लेंगे और उसको अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें उसको भूनना है। उसको लगातार चलाएंगे, नहीं तो वो नीचे से स्टिक हो जाएगा, जल भी सकता है वो। अगर हम उसको नीचे चलाएंगे तो कंटिन्यूसली हमें उसे चलाते रहना है। आटा जब भून जाएगा तो हमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, उससे हमें पता चल जाता है कि आटा भून गया है। इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे। अभी देखिए आटा भुनना शुरू हो गया है और थोड़ी देर में ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखिए आटा हमारा ब्राउन हो गया है। तो अभी हम इसमें पानी और चीनी का मिक्सचर है जो, उसे हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। एक साथ पूरा नहीं ऐड करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते रहेंगे ऐसे। अभी और पानी डालेंगे इसमें हम और इसको मिलाएंगे। अभी मैं बचा हुआ पानी भी ऐड कर दूंगी और उसको पूरा अच्छे से मिला लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, गैस आप स्लो कर लीजिए और अच्छे से पूरी गुठलियों को तोड़ दीजिए और अच्छे से उसको मिलाते रहिए। बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है। उसको धीरे धीरे हम मिलाते रहेंगे। खाने में बहुत ही हेल्दी होता है ये हलवा आटे का, बच्चों के लिए तो बहुत ही पौष्टिक होता है। जब भी मीठा खाने का मन करे, घर पे कुछ ना हो, तो आप हलवा बनाइए आटे का और आराम से सबके साथ पैर मिल के बांट के खाइए। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश और कटे हुए बादाम, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है। हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने घर पर आटे का हलवा बना लिया है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।